निम्नलिखित तलपट के शेष के आधार पर 31 मार्च 2017 को व्यापारिक और लाभ हानि खाता तथा उस तिथि का चिट्ठा तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डे। पर्टिकुलर डेबिट ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया ₹30,000, फर्नीचर ₹16,000, क्रय परचेस ₹5,60,300, आवक गाड़ी भाड़ा कैरेज इनवर्ट ₹4,700, डूबत ऋण बैड डेब्ट्स ₹1,800, मजदूरी वेजेस ₹52,000, देनदार डेटर्स ₹80,000, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न ₹15,000, किराया रेंट ₹24,000, विविध व मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹4,400, वेतन सैलरीज ₹68,000, नगदी कैश ₹8,900, आहरण ड्रॉविंग ₹14,000, भवन बिल्डिंग ₹1,60,000, विज्ञापन एडवर्टाइजिंग ₹10,000, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹7,000, क्रेडिट विक्रय सेल्स ₹7,01,000, लेनदार क्रेडिटर ₹72,500, बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट ₹50,000, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट ₹2,100, छूट डिस्काउंट ₹500, पूंजी कैपिटल ₹2,05,000, क्रय वापसी परचेस रिटर्न ₹25,000, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस ₹10,56,100। समायोजन एडजस्टमेंट, फर्स्ट, अंतिम रहतिये का मूल्यांकन ₹40,000 पर किया गया है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएड एट ₹40,000। सेकेंड, निजी क्रय के 6,000 क्रय खाते में डेबिट किए गए हैं। Private purchases amounting to ₹6,000 have been debited to purchase account. Third, देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण का संदिग्ध ऋण आयोजन बनाइए। Make a provision for bad debts and doubtful debts at 5% on debtors. Fourth, ₹5,000 का नया साइन बोर्ड विज्ञापन में सम्मिलित है। A new signboard costing ₹5,000 is included in advertising. Fifth, furniture tatha fittings par 10% haas lagaiye. Depreciate furniture and fittings by 10%. Is question mein humko trading and profit and loss account aur balance sheet banana hai aur humko samayojan ko bhi dhyan mein rakhte hue chalna hai. To ek प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जिन जिन मदों पर समायोजन है उस पर टिक कर लेंगे ताकि हम उसकी अमाउंट को इनर कॉलम में लिख सकें और हमको याद रहे कि इन मदों पर हमको एडजस्टमेंट करना है। कई बार हम कुछ मदे लिखना भूल जाते हैं या कई बार हम उनमें समायोजन करना भूल जाते हैं या कई बार हम एक जगह तो उसकी एंट्री कर देते हैं लेकिन दूसरी जगह एंट्री करना भूल जाते हैं क्योंकि हर समायोजन की कम से कम दो जगह एंट्री तो होती है। तो इन सब कारणों से बचने के लिए हमको एक प्रोसेस बना लेना चाहिए कि किस तरह से हम इसको एक प्रॉपर वे में चलें तो गलती होने की संभावना कम रहे और एक बार में हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाए। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस ट्रायल बैलेंस में वो कौन कौन सी मदें हैं जिसपे समायोजन है। तो सबसे पहले हम देख लें कि यहाँ पर जो पहला एडजस्टमेंट है वो है अंतिम रहतिये का मूल्यांकन ₹40,000 पर किया गया। एक बार हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं और एक बार हम इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं।
सेकंड दिया गया है निजी क्रय के 6,000 रुपए क्रय खाते में डेबिट किए गए। अब ये निजी क्रय मतलब कि आहरण हुआ, ड्रॉविंग हुआ, इसको हमको परचेस में ऐड नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने इसको परचेस में ऐड कर दिया, तो अब हम इसको एडजस्ट करना पड़ेगा सुधारने के लिए। फिलहाल यहाँ पर हम परचेस में एक टिक कर देते हैं ताकि हमको ध्यान में रहे कि परचेस में कोई एडजस्टमेंट है। देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण और संदिग्ध ऋण का आयोजन करना है, तो हम डेटर्स पे टिक कर देते हैं कि इसमें भी कुछ समायोजन करना है। फिर फोर्थ पॉइंट है 5,000 का एक नया साइन बोर्ड विज्ञापन में सम्मिलित है। साइन बोर्ड बनाया गया और उसकी अमाउंट एडवर्टाइजमेंट में डाल दी गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, तो हम एडवर्टाइजमेंट में एक बार टिक करके चले। और फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं फर्नीचर और फिटिंग पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर और फिटिंग्स को भी हम टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जितने पॉइंट्स जहां पे समायोजन था उनमें हमने इसलिए टिक किया है ताकि जब हम उनकी एंट्री करें ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में, तो उनको हम इनर कॉलम में लिखें, हमको ध्यान में रहे कि इन इन मदों पर हमको समायोजन करना है। तो अब हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए एक फॉर्मेट रहेगा और बैलेंस शीट के लिए एक फॉर्मेट रहेगा। तो और ट्रेडिंग और एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक फॉर्मेट को हम दो हिस्से में बांट लेते हैं। ऊपर के हिस्से में हम ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे के हिस्से में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा अलग होता है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम पॉइंट देखें ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के टू ओपनिंग स्टॉक ₹30,000। उसके बाद दिया गया है फर्नीचर 16,000, एसेट्स है बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, इनर कॉलम में 16,000 लिखेंगे और एक दो लाइन छोड़कर फिर हम इसको बंद करेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, हमने टिक किया हुआ है। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू परचेस 5,60,300 की अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि परचेस में जनरली परचेस रिटर्न होता है। यहाँ पर ऑलरेडी एक समायोजन हमने एडजस्टमेंट के अंतर्गत देख लिया था, तो यहाँ पर हम दो लाइन छोड़ के फिर आगे बढ़ेंगे। कैरेज इनवर्ड यानी कि गाड़ी भाड़ा, कौन सा गाड़ी भाड़ा जो कि हमने खरीदे गए माल पर दिया होगा, तो इसको क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे कैरेज इनवर्ड ₹4,700। बैड डेब्ट्स हानि है हमारे लिए एक प्रकार की, हमने समायोजन में देखा था कि डूब गया पैसा हमको मिलेगा नहीं, तो हमारे लिए हानि है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 1800। वेजेस एक्सपेंस है एक और डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू वेजेस 52,000। डेटर्स एसेट्स है हमारे लिए और इसमें एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट के एसेट्स में हम लिखेंगे डेटर्स और 80,000 के अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न, सेल में से हमको माइनस करना है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऊपर की एक लाइन को छोड़कर नीचे माइनस करके लिखेंगे सेल्स रिटर्न, ताकि ऊपर की लाइन में हम सेल्स को लिख सकें। 15,000 इनर कॉलम में लिखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रेंट किराया, क्योंकि एक्सपेंस साइड में ये दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे रेंट ₹24,000 और डेबिट साइड में हम लिखेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस विविध व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। वेतन यानी कि सैलरी 68,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। कैश 8,900 एसेट्स है, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे। ड्रॉविंग 14,000 कैपिटल में से माइनस करना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करना है, लाइबिलिटी में लिख देंगे इसको इनर कॉलम में 14,000। बिल्डिंग एसेट्स है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे 1,60,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और इसमें क्योंकि हमने टिक किया हुआ है यानी कि इसमें समायोजन है, तो इसको हम इनर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखेंगे 10,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल होता है हमारे लिए, एक्सपेंस एक प्रकार का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे ₹7,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट साइड में दिया गया है विक्रय यानी कि सेल्स,
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हमने सेल्स रिटर्न माइनस लिखा था, उसके जस्ट ऊपर हम लिखेंगे टू सेल्स 7,01,000। क्रेडिटर लेनदार, लाइबिलिटी हमारे लिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में हम लिखेंगे 72,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, लाइबिलिटी हमारे लिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में हम लिख देंगे। डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 2,100। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, यहाँ पर हमको देखना कि जो बैड डेब्ट्स होते हैं उनमें ये प्रोविजन होते हैं, और लेस करते हैं हम इसको, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऊपर की एक दो लाइन छोड़ के उसके नीचे हम लिखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमने बैड डेब्ट्स यहाँ पर 1800 लिखा हुआ है, उसके नीचे हम इसको लेस में लिखेंगे, लेकिन एक लाइन हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने देखा था कि डेटर्स में कुछ एडजस्टमेंट भी है, हमने उसमें टिक भी किया था। तो एक 1800 जो हमने बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है उसके नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ₹2,100। डिस्काउंट छूट, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, मतलब ये हमको डिस्काउंट जो है वो हमको मिला हुआ है, रिसीव हुआ है हमको, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिस्काउंट 500। कैपिटल, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में हम कैपिटल लिख देंगे ₹2,05,000। क्रय वापसी परचेस रिटर्न 25,000, क्रय हमने लिखा हुआ है इनर कॉलम में ₹5,60,300, उसमें से हम 25,000 को माइनस कर देंगे तो बैलेंस हमको आएगा 5,35,300। अभी भी ये इनर कॉलम में ही रहेगा क्योंकि हमको अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। अब आइए एडजस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने देखा, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है जिसको हम एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, और एक बार हम इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। निजी क्रय, यानी कि हमने देखा था आहरण की राशि गलती से क्रय में लिखा गई है, तो हम क्रय में से इसको अलग कर लेते हैं। तो परचेस यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है 5,60,300, उसमें से हमने परचेस रिटर्न माइनस किया है 25,000, तो बैलेंस हमको मिल रहा है 5,35,300। इसमें से हम ये जो ड्रॉइंग की अमाउंट है जो गलती से परचेस में चले गई थी उसको माइनस कर देंगे 6,000 को, तो यहाँ हमको बैलेंस मिल जाएगा 5,29,300। अब ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिख ली, लेकिन एक जगह और हमको इस अमाउंट को लिखना पड़ेगा, ये जो ड्रॉइंग की अमाउंट है, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल में। जब हम ड्रॉइंग जो हमारा दिया हुआ है 14,000, उसमें इस 6,000 की और ड्रॉइंग हम उसमें ऐड कर देंगे, टोटल हमको इसमें ड्रॉइंग माइनस करना है ₹20,000। दो जगह हमने एडजस्टमेंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देनदारों पर 5% की दर से डूबत एवं संदिग्ध ऋण संचय का आयोजन बनाइए, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। हमने जब डेटर्स को बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा था तब हमने उसको एडजस्टमेंट को देखते हुए इनर कॉलम में लिखा था, और कितनी अमाउंट हमने लिखी थी यहाँ पर डेटर्स के लिए, तो यहाँ पर हमने डेटर्स के लिए टोटल अमाउंट लिखी थी 80,000 इनर कॉलम में। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, इस 80,000 का 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाएंगे, क्योंकि हमको ट्रायल बैलेंस में भी एक बार प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया गया है, तो यहाँ पर हम याद रखने के लिए कि ये कौन सा प्रोविजन है, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो 4,000 यहाँ पर हमने देखा कि 80,000 का हमने 5% यहाँ पर प्रोविजन बना लिया, तो 4,000 हमको प्रोविजन मिल गया, तो 76,000 ये हो गया बैलेंस जो हमने अमाउंट कॉलम में लिख दिया। लेकिन ये जो 4,000 की अमाउंट हमने यहाँ पर एडजस्ट की है उसको हमको एक बार और कहीं लिखना होगा, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू बैड डेब्ट्स 1800 जो हमको क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में मिला था, इसी में हम इस नए प्रोविजन को ऐड कर देंगे यानी कि 4,000 को, और यहाँ हम लिखेंगे ऐड न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ₹4,000 यानी 5,800, और इसमें हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है 2,100 ओल्ड प्रोविजन, तो ओवरऑल ये नेट अमाउंट इसकी आ जाएगी 3,700 जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आउटर कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। दो जगह हमने इसकी एंट्री कर ली। अब हम आगे बढ़े।
5,000 रुपीज का एक नया साइन बोर्ड था, उसको हमने एडवर्टाइजमेंट में शामिल कर लिया। एक्चुअली ये एक तरह से एसेट्स है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में हम इसको शामिल नहीं कर सकते, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में से हम इसको माइनस कर देते हैं 5,000 को। बैलेंस बचता है यहाँ पर 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और अब एक बार हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में, 5,000 का ये जो साइन बोर्ड था, फिटिंग्स हम बोल सकते हैं, एक प्रकार की संपत्ति है हमारे लिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, फर्नीचर एवं फिटिंग्स पर 10% डेप्रिसिएशन लगाइए। तो फर्नीचर यहाँ पर हमने बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिखा था, एडजस्टमेंट को देखते हुए ये फर्नीचर है 16,000 का, अगर हम इसमें 10% डेप्रिसिएशन लगा देते हैं तो 1600 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 14,400 बैलेंस शीट के एसेट साइड में अमाउंट कॉलम में आ जाएगी। और जब हम फिटिंग्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 में 500 और माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4,500। अब हमने सारी अमाउंट और एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लिया है। अब हम सबसे पहले बैलेंस निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो आता है क्रेडिट साइड का टोटल 7,26,000। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस देखते हैं, तो यहाँ पर हमको डेबिट साइड में जो टोटल मिल रहा है वो 7,26,000 मिल रहा है। इसमें से हम डेबिट साइड के सारे अमाउंट को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिल जाता है 1,10,000, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 1,10,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे तो हमको शायद कम मिल रहा है, जबकि डेबिट का टोटल इसका ज्यादा है 1,14,200। इसमें से हम क्रेडिट के टोटल यानी 1,10,500 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट लॉस हो रहा है हमको, डेबिट बैलेंस आ रहा है, लॉस हो रहा है 3,700 का। ये लॉस जो है इसको हम जो हमने कैपिटल लिखा हुआ है बैलेंस शीट में लायबिलिटी में उसमें लेस कर देंगे, क्योंकि ये नेट लॉस है, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैपिटल हमने लिखा है 2,05,000, इसमें हम नेट लॉस माइनस कर दें तो ये हो जाता है 2,01,300, और फिर हम इसमें माइनस कर देंगे ड्रॉइंग 20,000, तो ये बैलेंस अमाउंट आती है 1,81,400। अब हम टोटल करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड का, तो यहाँ पर ही हमको मिलता है 3,03,800, और लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं तो भी हमको मिलता है 3,03,800, यानी यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। विभिन्न समायोजनों का संक्षिप्त विवरण आइए देखते हैं। पहला, अंतिम स्टॉक के समायोजन के लिए जनरल प्रविष्टि की जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा, अदत्त व आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तीसरा, पूर्वदत्त व प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। फोर्थ, उपार्जित आय एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। फिफ्थ, अनुपार्जित आय ऑन ऑन इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू ऑन ऑन इनकम अकाउंट। पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेवेंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जनरल ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट to interest on drawing account। is depreciation, depreciation account debit to assets account। 9th, bad debts, bad debts account debit to sundry debtors account। 10th, bad debts reserve, general profit and loss account debit to bad debts reserve account। 11th, reserve for discount on debtors, general entry profit and loss account debit to reserve for discount on debtors account। 12th, reserve for discount on creditors, general entry reserve for discount on creditors account debit to profit and loss account। 13th,
दान तथा नमूने में दिया गया माल डोनेशन एंड सिंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। 14 निजी उपयोग के लिए निकाला गया माल गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। 15 स्टॉक की हानि जब हानि का बीमा ना हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बी जब हानि का बीमा हो तथा बीमा कंपनी से राशि प्राप्ति हो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 16 डूबत ऋण या बैड डेब्ट्स के कंडीशन में बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 17 मैनेजर का अदत कमीशन आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑफ मैनेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। 18 विक्रय या वापसी के शर्त पर भेजा गया माल गुड सेंड टू सेल्स और रिटर्न बेसिस सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 19 भवन निर्माण के लिए मजदूरी को मजदूरी खाते में लिख देना बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। 20 मार्गस्थ माल गुड्स इन ट्रांजिट जनरल एंट्री गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर और वेंडर्स अकाउंट। 21 कर्मचारियों को दिया गया वेतन कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में डेबिट करना सैलरीज अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट। 31 दिसंबर 2006 को निम्न समायोजन के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियां ज्योति की पुस्तकों में कीजिए। पहला वर्ष के मध्य में 1,000 रुपए का आहरण किया गया जिस पर 2% वार्षिक की दर से पूरे वर्ष का ब्याज लगाना है। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड रुपीज 1,000 एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्जेस एट 2% फॉर द होल ईयर। दूसरा वर्ष के प्रारंभ में 10,000 रुपए की पूंजी थी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। कैपिटल एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर वॉज रुपीज 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5%। तीसरा अदत्त मजदूरी 200 रुपए है आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज। चौथा 1 अप्रैल 2006 को बीमे की वार्षिक प्रव्याजी 200 रुपए दी गई। फोर्थ एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 200 हैज बीन पेड ऑन 1 अप्रैल 2006। फिफ्थ 20,000 रुपए के यंत्र पर 10% से मूल्यह्रास का आयोजन करना है। फिफ्थ प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 20,000 एट द रेट ऑफ 10%। इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वर्ष के मध्य में 1,000 रुपए का आहरण किया गया जिस पर कि ब्याज है 2%। तो यहाँ पर हम 1,000 रुपए पर 2% ब्याज कैलकुलेट करेंगे 20 रुपए ही हमको ब्याज मिल जाएगा। और जैसे कि हमने अपने जनरल एंट्री में देखा कि इस समायोजन के लिए हम जनरल पास करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि ये जो ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट है वो इंटरेस्ट अकाउंट में ही इंक्लूड हो जाती है तो वो इंटरेस्ट अकाउंट में ही हम लिखते हैं। तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 20 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड जब कैपिटल पर इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और नरेशन हम लिख सकते हैं 5% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कैपिटल और 500 से हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि 10,000 यहाँ पर पूंजी है और उस पर 5% हमको चार्ज करना है इंटरेस्ट। उसके बाद थर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पर मजदूरी दी गई है तो अदत्त मजदूरी है तो उसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट और 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर दिया गया है तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस रिसीव अकाउंट और डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर हमको एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट और 2000 यहाँ पे क्योंकि 20,000 का प्लांट है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 2000 यहाँ पर हमको लिखना है।
31 दिसंबर 2006 की समायोजन प्रविष्टियां कीजिए। पहला, अंतिम स्टॉक का मूल्य ₹5,000 था। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹5,000। सेकेंड, अदत्त मजदूरी ₹200, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर ₹200। थर्ड, विनियोग पर ₹100 का ब्याज उपार्जित है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹100। फोर्थ, भवन पर ₹100 कटौती लगानी है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन बिल्डिंग ₹100। फिफ्थ, आहरण पर ब्याज ₹50 लगाने हैं। इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग ₹50। यहाँ हमारी फर्स्ट एंट्री जब हम स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक ₹5,000। सेकेंड एंट्री अदत्त मजदूरी यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट ₹200। थर्ड एंट्री एक्रूड इंटरेस्ट के लिए होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ₹100। फोर्थ एंट्री डेप्रिसिएशन के लिए हम चार्ज करेंगे, फोर्थ एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, और फिफ्थ एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹50। 31 दिसंबर 2006 को निम्न समायोजन करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। फर्स्ट, वर्ष में ₹1,000 का आहरण हुआ जिस पर 2% वार्षिक की दर से पूरे वर्ष का ब्याज लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ₹1,000 इज टू बी चार्ज एट 2% पर एनम फॉर द होल ईयर। सेकेंड, वर्ष के प्रारंभ में ₹5,000 की पूंजी थी, पूंजी पर 5.5% की दर से ब्याज लगाना है। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5,000 एट द रेट ऑफ 5.5% इज टू बी अलाउड फॉर द होल ईयर। थर्ड, अदत्त मजदूरी ₹200, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। फोर्थ, कर्मचारियों को दिसंबर 2006 का वेतन ₹400 अभी नहीं दिया गया है। फोर्थ, सैलरीज ₹400 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर अनपेड। फिफ्थ, 1 अप्रैल 2006 को बीमे की वार्षिक प्रव्याजी ₹200 दी गई। Annual insurance premium ₹200 has been paid on 1st April 2006. 6. 1 जुलाई 2006 को राम को 6% प्रतिवर्ष की दर से ₹3,000 का ऋण दिया गया है। On 1st September 2006, ₹3,000 were received for supervision of building, but only half work was completed up to 31st December 2006. यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट के लिए जनरल एंट्री पास करेंगे, जबकि ₹1,000 का आहरण हुआ और 2% की दर से उस पर हाथ लगाना था। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग ₹20। पूंजी पर ब्याज के लिए यहाँ हम जनरल एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 275। अदत्त मजदूरी यानी थर्ड पॉइंट के लिए यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड ₹200। फोर्थ पॉइंट, यहाँ हमको फोर्थ पॉइंट के लिए जनरल एंट्री करनी है जबकि सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है। सैलरी अकाउंट डेबिट to outstanding salary account ₹400, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे salary due but not paid। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ फिफ्थ पॉइंट के लिए जबकि वार्षिक बीमा प्रव्याजी 1 अप्रैल 2006 के लिए दी गई है, इसके लिए हम एंट्री करेंगे क्योंकि पहले से दे दी गई है,
प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट ₹50। 6 पॉइंट जबकि इंटरेस्ट एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट के लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹90। 7th पॉइंट में हम देख रहे हैं कि सुपरविजन चार्जेस है, इसके लिए हम एंट्री यहाँ पर करेंगे सुपरविजन इनकम अकाउंट डेबिट टू ऑन अर्न इनकम, और नरेशन हमको लिखना है इनकम ऑन अर्न फॉर 6 मंथ रिकॉर्डेड, क्योंकि यहाँ पर केवल आधा भवन निर्माण ही पूरा हुआ है और निरीक्षण के लिए ₹3,000 प्राप्त हुए, लेकिन करंट ईयर में अगर यहाँ पर एंट्री हम करेंगे तो उसका हाफ यानी कि 1500 से ही हम एंट्री करेंगे, एंट्री हमारी वही होगी लेकिन अमाउंट हमको 3000 का हाफ यानी कि 1500 लिखना है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक व्यापारी बहुत सारे लेखांकन, बहुत सारे खातों का निर्माण करता रहता है और लास्ट में फिर जब वो बनाता है अंतिम खाते, तो इस अंतिम खाते के अंतर्गत वो निर्माणी खाता यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस खाता, लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट बनाता है, और तब जाकर उसके लेखांकन का पूरा कार्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस व्यापार खाता से वो सकल लाभ ज्ञात करता है, लाभ हानि खाते से वो शुद्ध लाभ ज्ञात करता है, और फिर इस सकल लाभ और शुद्ध लाभ के आधार पर एक व्यापारी बनाता है अपने व्यापार की बैलेंस शीट यानी कि फाइनल अकाउंट, और ये वही फाइनल अकाउंट है जिसके आधार पर एक व्यापारी अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, देखता है कि वास्तव में वो किस पोजीशन पर है, कितने उसके फर्म की संपत्तियां हैं, कितने उसके फर्म के दायित्व हैं, फिर वो इन्हीं बैलेंस शीट को पिछले वर्षों के बैलेंस शीट से टैली करता है, मिलाता है, कंपेयर करता है, और ये देखता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष फर्म में फर्म की क्या स्थिति है, फर्म ने ग्रोथ की है या फिर वो पीछे गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से लेखांकन के पूरे की पूरी प्रक्रिया में सभी खातों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।